12 नवंबर 2023, जिस सुबह हम दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे, उसी सुबह उत्तरकाशी में एक टनल के अंदर करीब 41 मजदूर काम पे लगे हुए थे। सुबह के करीब 5:30 बजे अचानक से ये सुरंग ढह जाती है और सभी मजदूर सुरंग के अंदर फंस जाते हैं। जो पत्थरों और मिट्टी की दीवार इन लोगों के रास्ते में गिरी है वो 60 मीटर लंबी है। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था और 17 दिन के बाद यानी 28 नवंबर को सभी मजदूर सही सलामत कैसे निकले। जब 12 नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिक्यारा में सुबह के करीब 5:30 बजे एक सुरंग ढह गई और 41 मजदूर वो सुरंग में फंस गए थे। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घटना की जानकारी मिली और वह अगले ही दिन मजदूरों से मिलने घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई के सहारे मजदूरों से बात की और रेस्क्यू तेज करने का आदेश दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआती चरण में 14 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत की गई। फिर थोड़े दिन तक ड्रिलिंग मशीन का भी कुछ खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अंदर फंसे मजदूरों की हालत को देखते हुए NHIDCL ने दिल्ली से एडवांस्ड ऑगर मशीन मंगवाई। ऑगर मशीन के द्वारा सुरंग खोदते खोदते 47 मीटर तक पहुंच गए, मगर दरारें रिपोर्ट हुई और सुरंग में 47 मीटर का काम पूरा हो चुका था। सिर्फ 10 से 12 मीटर की खुदाई बची हुई थी। फिर दिल्ली से रेट माइनर की 12 लोगों की टीम को बुला गया और फिर 12 लोगों की टीम ने 4 ग्रुप बनाए, मतलब हर ग्रुप में 3 मजदूर थे जो बारी बारी टनल में जाकर ड्रिलिंग का काम करते थे। जिनमें पहला मजदूर लेट कर ड्रिलिंग का काम करता था, फिर दूसरा मजदूर ठीक उसके पीछे होता था जो मलबे को एक ट्रॉली में भरने का काम करता था, और तीसरा मजदूर वो ट्रॉली को रस्सी से जोड़ता था। वो ट्रॉली रस्सी के सहारे पाइप से बाहर जाती थी और बाहर बैठे दूसरे मजदूर वो ट्रॉली को आसानी से खींच सके। और फिर आखिर में यानी 28 नवंबर की रात को ड्रिलिंग का काम खत्म हुआ और रेट माइनर की टीम ने एक ट्रॉली में एक मजदूर को लेटाया और बाहर खड़े दूसरे जवानों ने रस्सी की मदद से खींच लिया। ऐसे एक एक करके 41 मजदूरों को रेस्क्यू करवाया। वो कहते हैं ना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ऐसे ही उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों पर ये लाइन बिल्कुल टिक बैठती है। इन 41 मजदूरों ने 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद भी अपना हौसला नहीं छोड़ा।